राजधानी दिल्ली में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी आतंकवादी घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वहीं दिल्ली पुलिस के आंख कान बने और कोई भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस को सूचना दें। इसी क्रम में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ओखला इलाके में दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रहरी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ रेंज के ज्वाइंट सीपी एस के जैन, जिला के डीसीपी राजेश देव, जिले के तमाम एसीपी एसएचओ और कई पुलिस कर्मी शामिल हुए। मीटिंग में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 150 से अधिक सुरक्षा गार्ड और आरडब्ल्यूए एमडब्ल्यूए के मेंबरों को भी बुलाया गया, ताकि 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। मीटिंग के दौरान जॉइंट सीपीएस के जैन ने तमाम इलाकों के सिक्योरिटी गार्डों को सम्मानित किया और उन्हें एक सिक्योरिटी किट बैग वितरण किया, जिसमें सुरक्षा गार्ड्स के लिए एक बैग, कैप, स्टिक, टॉर्च जैसी उपयोगी सामान था। मीडिया से बात करते हुए एसके जैन ने बताया कि प्रहरी मीटिंग का उद्देश्य सिक्योरिटी गार्ड के साथ पुलिस के साथ अच्छा सामंजस्य बना जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके कि वह भी पुलिस की तरह सुरक्षा के लिए अच्छा कार्य करते रहें और पुलिस सदैव उनके साथ खड़ी है। यदि उनके इलाके में कोई भी अप्रिय घटना होने वाली हो या कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो वह उसकी सूचना जो है पुलिस को दे। इसी को लेकर ये मीटिंग जो है करी गई, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रहरी मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि हम पुलिस और प्रहरी जो सिक्योरिटी गार्ड्स अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो आरडब्ल्यू के अंदर काम करते हो, एमडब्ल्यू में, बैंक्स में, उनके साथ एक सामंजस्य बनाया जा सके, उनको एक प्रेरित कर सकें कि वो भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, पुलिस की तरह एक अच्छी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं और पुलिस इस संकल्प में उनके साथ खड़ी है और उनको अगर कोई अपने क्षेत्र में, एरिया में जहाँ ड्यूटी करते हैं, उनको लगता है कि अप्रिय घटना होने वाली है, कुछ सस्पिशियस आदमी है, सामान है या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें, तुरंत दें, ताकि उस पर उचित कार्रवाई कर सके और ऐसी सूचना देने पर उनको एक अच्छा इनाम और अप्रिसिएशन भी दिया जाएगा कि उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी की है और समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल साबित हुए हैं और अच्छे शहरी शामिल हुए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए मीटिंग रखी गई है कैसे? 15 अगस्त का भी एक उद्देश्य था कि हाई अलर्ट कई दिल्ली में चल रहा है, तो इस उद्देश्य से कि हमें आइज एंड ईयर्स का वो काम कर सके, हमारी और पहुंच फोर्स मल्टीप्लाई हो सके, हमारी पहुंच बढ़ सके, जितनी ज़्यादा आईज ग्राउंड पे हो, चौकन्नी लोग रहे, उतना ज़्यादा हम अच्छा सुरक्षा दे पाएंगे, वो भी एक आज की मीटिंग का उद्देश्य था। कौन कौन शामिल हुए सर आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में प्रहरी लोग शामिल थे, करीब 150 के आसपास प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। इसके अलावा आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू के 100 के आसपास लोग वो भी आए थे, ताकि उनके माध्यम से भी ये सूचना मैसेज हम लोगों तक पहुँचा सके कि 15 अगस्त के मद्देनज़र जितने लोग अलर्ट रहेंगे, कोई सस्पिशियस आती है नज़र में तो बताएं, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन या चोरी की गाड़ी चोरी हो जाती है खासकर, तो तुरंत बताएं ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें। एक किट भी वितरित की गई है सर, उसके बारे में? ये खासकर ये अच्छा एक मैसेज देने के लिए कि सिक्योरिटी गार्ड्स प्रहरी भाइयों लोगों को कि हम पुलिस उनके साथ है और उनके साथ खड़ी है। एक किट जिसमें कि एक बैग, एक टॉर्च लाइट, एक बैटन, एक विसिल और एक कैप दिया गया है, ताकि वो उसको पहन के अच्छा प्राउड फील कर सकें और प्रहरी का उस पर लोगो सिंबल है और ये लगे कि हाँ, हम पुलिस के समकक्ष हैं और हम अपने दायित्व जैसे पुलिस करती है वैसे करते हैं। जॉइंट सीपी साहब के इनिशिएटिव पे एक हमारे रेंज लेवल की डिस्ट्रिक्ट में एक वो हुई थी आरडब्ल्यू मीटिंग, तो उसमें हमने प्रहरी भी इसमें इंक्लूड करा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी पार्टिसिपेट करा और इसमें सभी की समस्याएँ सुनी गई और उनको बाकायदा नोट करा गया है और उस पर जो जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कितना इससे फ़ायदा मिलेगा सर 15 अगस्त को देखते हुए, सुरक्षा को लेकर? 15 अगस्त के मद्देनज़र भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आती रहती हैं हमारे, पर्टिकुलरली जैसे सर्वेंट चेकिंग है, सर्वेंट वेरीफिकेशन है या टेनेंट वेरीफिकेशन है, तो उसके लिए हमें बार बार अवेयर करना पड़ता है इन लोगों को, क्योंकि बहुत लोग कई बार ऐसा होता है कि टेनेंट को रख लेते हैं लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे, जबकि हमने इतना आसान कर दिया है टेनेंट वेरिफिकेशन कराना या सर्वेंट वेरिफिकेशन कराना, अब ऑनलाइन भी हो रहा है, तो इन्हीं सब के लिए बार बार हम अवेयरनेस करवाते रहते हैं। ये एक मीटिंग हमारे लिए साधन बन जाता है इस सब तरह की अवेयरनेस करवाने का। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के पे तो बात हुई है, ट्रैफिक की मेन समस्या थी जो उस पर काफ़ी देर है, तो सामने श्योर किया है जॉइंट सिविल साहब ने कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ही होगी।
तो जिसमें मेजर जो भी है मैंने देखा जितने भी लोग बोले थे ऑल रिलेटेड विद द ट्रैफिक पुलिस। तो 15 अगस्त भी आ रहा है, इसको लेकर भी बातें। हाँ, इसके बाद वो जो है कि बिल्कुल है अपने जो सर्वेंट वेरिफिकेशन के ऊपर दूसरे आस पास नज़र रखने के लिए, अपनी मार्केट्स एसोसिएशन के लिए जो भी बैड एलिमेंट्स देखा जाए, जो भी जो ये नाइजेरियन आ रहे हैं इनको फ्लैट देना, किराए पे देना, पहले इंक्वायरी करके दें, अदरवाइज ना दें, उनके पेपर चेक करें प्रॉपर की बात, इनके पास वीज़ा है नहीं है, पासपोर्ट वैलिड है या नहीं है, वो सब चीज़ों को ध्यान में अब रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अब लोग आ रहे हैं इनको किराए पर ना पूरे मच करते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके की समय समय पर मीटिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब जो मीटिंग हम तो ये चाहते हैं कि आगे ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हों, ACP या ACP ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल साथ में बैठे ताकि उस पर इमीडिएट एक्शन हो जाए। नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग रखी और रेगुलर बेसिस से पिछले 4-5 महीने से ये लोग रख रहे हैं, इससे हम लोगों में बहुत कुछ अवेयरनेस होती है और हम अपनी बात भी सारी यहाँ पर आगे रख पाते हैं। आज भी बहुत अच्छे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, 15 अगस्त को लेके तो वही हुआ, साथ में उन्होंने हम लोगों से भी हमारे एरिए की हमें क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो प्रॉब्लम रखी पूछी उन्होंने हमसे और हमने अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखी है। हमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, उसके ऊपर तो इतनी दिक्कत अब नहीं आ रही क्योंकि ओखला के अंदर हमारे SHO साहब हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। क्राइम तो नहीं रोक सकते लेकिन देखो क्राइम होने के बाद इतना अच्छा एक्शन लेना और लोगों के मन में डर का माहौल पैदा करना, उसमें करने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमने आज भी रखी है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा ट्रैफिक की प्रॉब्लम और इंक्रोचमेंट की वजह से अभी ओखला अंडरपास में भी पानी भर गया था जिसमें एक लोग की डेथ हो गई है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये मीटिंग रेगुलर बेसिस पे हो और इसके अंदर MCD वाले और दूसरे बंदे मिलकर एक टास्क फोर्स बन जाए जिससे हम लोग सजेशंस दे सकें कि ट्रैफिक कैसे स्मूथ हो सकता है, जिससे पोल्यूशन भी कम हो, लोगों का भला भी हो और ये ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से भी जान छूटे। बहुत लोग रॉन्ग साइड आते हैं, बहुत सड़कों के नाम हैं। आज मैंने कलंदी गुंज की प्रॉब्लम, ओखला अंडरपास की प्रॉब्लम, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन की प्रॉब्लम, कालकाजी वाले मेट्रो स्टेशन की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम के सामने रखी हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई ना कोई हमें रास्ता दिखेगा।